Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with a very important application of derivatives, that is concept of local maximum and local minimum. Yes, today we will learn how we can find local maximum and local minimum values of a given function with help of concept of derivative. So let's get started. Okay, so before moving to questions, first of all, we should know about the concept of local maximum and local minimum. So students, try to understand with help of this graph. So you can see here, this is a graph of a function. ये एक function का graph है और आप देख सकते हैं कि इस function के graph में कितने सारे up down हैं आपको नज़र आ रहे हैं. Okay, and इस graph को हमने draw किया है, जो हमारे पास x axis की जो total हमारे पास range है, that is interval a to b. Okay. तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम और सिंपली मैक्सिमम और मिनिमम की. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस होल रेंज, इस पूरी जो पूरी रेंज है एक्स की वैल्यूज, डेट इज़ ए टू बी, इस रेंज में आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है. डेट पॉइंट इज ई. ई पे सबसे ज़्यादा पीक पर वैल्यू है, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू वो ले रहा है, डेट इज़ पॉइंट ई पर. सो दिस पॉइंट ई इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम. दिस पॉइंट ई इज कॉल्ड, यस, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम और सिंपली वी कैन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. बोथ थिंग्स आर सेम. सिमिलरली अगर आप देखें तो इस पूरी रेंज में सबसे कम मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है इस फंक्शन की, यस, यस, एट पॉइंट एच. तो दिस पॉइंट एच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम और सिंपली वी कैन से पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी कह सकते हैं इसको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी कह सकते हैं. क्लियर? लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम. क्योंकि स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोकल के साथ इसको रिलेट करके लोकल का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे. देखिए कैसे, ये ए बी पूरी आपके पास रेंज है. आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए बी कहीं ना कहीं आपके पास एक पूरा शहर है, ये पूरी सिटी है. इस पूरे शहर में सबसे ज़्यादा पीक पर कौन है, सबसे ज़्यादा पीक पर ई पॉइंट पर फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा है, तो ये ई पॉइंट यहाँ पर कहलाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम. और इस पूरी सिटी में जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है वो एच पॉइंट पर आ रही है, तो पॉइंट एच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम. ये पूरी सिटी की बात हो गई. लेकिन लोकल मैक्सिमम में लोकल मिनिमम का मतलब क्या है कि पूरी सिटी के अंदर जो लोकल एरियाज़ हैं, लोकल एरियाज़ में जो सबसे ज़्यादा या सबसे कम वैल्यू लेगा जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट्स कहलाएंगे पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पॉइंट सी है, ठीक है. पॉइंट सी पर अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ अपने लोकल एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो सी के लेफ्ट और राइट की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ, तो इस पर्टिकुलर एरिया में सी सबसे ज़्यादा वैल्यू ले रहा है, तो सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. सी अपनी लोकेलिटी में, अपने आस पड़ोस में, अपने नेबरहुड में, अपने लेफ्ट और राइट में सबसे ज़्यादा वैल्यू ले रहा है, तो ये पॉइंट सी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. सिमिलरली यू कैन सी हियर, यस, जी 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 पॉइंट पर भी फंक्शन अपने नेबरहुड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो दिस पॉइंट जी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. सिमिलरली आई इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. ओके, सिमिलरली अगर मैं लोकल मिनिमम की बात करूँ, तो डी पॉइंट पर आप देख सकते हैं, ये अपने नेबरहुड में, अपने लेफ्ट और राइट में अगर मैं देखूँ, तो उस एरिया में डी पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू आ रही है, तो दिस डी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. सिमिलरली एफ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. सिमिलरली एच को हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम भी कहेंगे, बाकी ये पॉइंट ऑफ. तो इस तरीके से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मतलब वो अपने नेबरहुड में सबसे ज़्यादा या सबसे कम वैल्यू ले. और वी कैन से, और इसको मैथमेटिकली और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कब कहलाएगा, डेट इज दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल मीन्स कुछ लेफ्ट और कुछ राइट का अगर पार्ट, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग दिस पॉइंट सी सच दैट एट दिस पॉइंट सी फंक्शन टेक्स मैक्सिमम वैल्यू, देन दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. सिमिलरली यस, पॉइंट ई, यस, पॉइंट ई इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. ओके, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम. अपने आसपास के एरिया में भी सबसे ज़्यादा वैल्यू ई पर ही आ रही है, पूरी सिटी में भी सबसे ज़्यादा. सिमिलरली पॉइंट जी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. पॉइंट आई इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम.
डी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. आप देख सकते हैं अपने नेबरहुड में सबसे कम वैल्यू ले रहा है. सिमिलरली एफ को आप देख सकते हैं, ठीक है. एफ अपनी नेबरहुड में, अपने लेफ्ट और राइट पार्ट में अगर हम इसको देखें तो ये सबसे कम वैल्यू ले रहा है यहाँ पर. सो डैट्स वाई दिस एफ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, राइट. सिमिलरली अगर हम एच की बात करें तो एच पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम तो है ही, बट साथ साथ अगर हम अपनी इसकी नेबरहुड में बात करें तो वहाँ पर भी ये सबसे कम वैल्यू ले रहा है. तो पॉइंट एच इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, राइट स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स ये एक बेसिक सा डिफरेंस है कि अगर आपके पास जो होल रेंज होती है उस होल रेंज में एक्स के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन सबसे ज़्यादा वैल्यू लेता है डेट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू लेगा डेट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम, राइट. बट जो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम होता है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी होगा, क्योंकि वो अपने आसपास के एरिया में भी सबसे ज़्यादा लेगा और पूरी सिटी में भी सबसे ज़्यादा लेगा. बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, राइट. और इसी डेफिनेशन को, जो हमारी लोकल मैक्सिमम और जो लोकल मिनिमम की डेफिनेशन है, ठीक है, उसको भी हमने मैथमेटिकली भी डिफाइन किया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, जब देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग दैट पॉइंट, ठीक है. इफ एट दैट पॉइंट फंक्शन टेक्स मैक्सिमम वैल्यू देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और अगर उस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू लेता है देन दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, राइट. एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि जो लोकल मैक्सिमम और जो लोकल मिनिमम का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो हम सिर्फ ओपन इंटरवल पर ही डिस्कस कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल पर डिस्कस नहीं कर सकते. वाई, रीज़न क्या है, ए और बी को हम यहाँ पर क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज ए की अगर मैं बात करूँ या बी की बात करूँ तो ए या बी पे हम चेकिंग नहीं कर सकते कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम होगा. वाई, रीज़न क्या है, क्योंकि ए के लेफ्ट में हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नेबरहुड नहीं है, और बी के हमारे पास राइट नेबरहुड अवेलेबल नहीं है. डेट्स वाई हम इस कॉन्सेप्ट को ओपन इंटरवल पे डिस्कस कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल पे डिस्कस नहीं कर सकते, राइट स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चंस. सो लेट अस सी कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे. फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड हेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑब्वियसली इट इज़ ए पॉलीनोमियल फंक्शन. सो स्टूडेंट देयर आर टू टेस्ट. The first one is first derivative test and second one is second derivative test, with help of which we can find local maximum and local minimum value of a given function. But today our focus will be on first derivative test, that is with help of first derivative test only we will find local maximum and local minimum values of given function, right. So let us see how we will use first derivative test in our questions. So our function is given and we have to find this local maximum and local minimum value. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वी विल फाइंड एफ डैश एक्स एंड इसको जीरो के इक्वेट करके वी विल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स. तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर हम क्यों फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑब्वियस कि अगर हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम फाइंड आउट करना है तो आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पर हमारा ग्राफ टर्न कर रहा है कहीं ना कहीं यही हमारे होंगे पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि किन पॉइंट्स पर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो है, डेट इज़ इन सभी पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स हैं वो सभी एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे. डेट्स वाई एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करके हम ये सारे पॉइंट्स पहले फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही टर्निंग पॉइंट आया है, डेट इज़ 2/3. सो नाउ 2/3 पर हमारा ग्राफ टर्न करेगा. बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हमारा जो ग्राफ है वो 2/3 पर ऐसे टर्न करता है. सपोज दिस पॉइंट इज 2/3, अगर ऐसे टर्न करता है तो 2/3 हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ओके. और अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसे टर्न करता है सो इट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. तो नाउ लेट अस चेक कि कैसे पता चलेगा कि ग्राफ ऐसे टर्न करेगा या फिर ऐसे टर्न करेगा. देखिए, अगर ग्राफ ऐसे टर्न करता है तो इट मीन्स 2/3 के लेफ्ट की अगर हम बात करें तो हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा. डेट इज़ 2/3 से जो लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट पर एक्स की वैल्यूज़ के लिए जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव होगा, और राइट में जो एक्स की जो वैल्यूज़ है उसके लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो होगा लेस देन जीरो. बट अगर ये कंडीशन है तो लेफ्ट के लिए जो एफ डैश एक्स है वो होगा हमारे पास लेस देन जीरो, और राइट के लिए हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो. मतलब फंक्शन अगर हमारा 2/3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है तो फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, अगर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है तो डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा, राइट. तो इसकी चेकिंग कैसे होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/3 से स्लाइटली लेस मतलब उसके लेफ्ट में, लेफ्ट के लिए चेक करेंगे एफ डैश एक्स का साइन. तो एफ डैश एक्स को पहले आप ऐसे लिख लीजिए, यस. नाउ वी विल राइट व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन
2/3. देन एफ डैश एक्स, तो हम लोग 2/3 के लेफ्ट, लेफ्ट के लिए एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहे हैं. तो जब एक्स हमारा 2/3 से लेस होगा, तो 2/3 से लेस में से अगर हम 2/3 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा लेस देन जीरो. एंड व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3, देन एफ डैश एक्स क्या होगा? अब 2/3 से बड़ी वैल्यू में से अगर हम 2/3 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव. तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन पहले हमारा एफ डैश एक्स का जो साइन है वो लेस देन जीरो है. तो इट मीन्स ये सिचुएशन है यहाँ पर कि फंक्शन पहले डिक्रीज होकर उसके बाद इंक्रीज कर रहा है. तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, राइट. बट अगर इसके रिवर्स हमारे पास सिचुएशन होती, अगर ऐसा होता कि पहले एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होकर फिर नेगेटिव होता, तो 2/3 हो जाता पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास साइन चेंज ही ना हो, साइन सेम रहे, ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव से नेगेटिव ही रहे. तो उस केस में वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा. दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट स्टूडेंट्स. सो इन दिस वे वी कैन चेक कि कोई पॉइंट किसी फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करके उसको जीरो के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और उस क्रिटिकल पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे फॉर लेस देन एंड ग्रेटर देन वैल्यू के लिए. अगर वो साइन पहले नेगेटिव होके फिर पॉजिटिव हो जाता है तो इट मीन्स हमारे पास हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और अगर पॉजिटिव होके नेगेटिव हो जाता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. तो इस क्वेश्चन में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया. अगर एक से ज़्यादा हमारा ग्राफ अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर टर्न करता है तो हर पॉइंट के लिए हमें ऐसे ही चेकिंग करनी पड़ेगी, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, राइट स्टूडेंट. एंड अब क्वेश्चन इज फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन. तो स्टूडेंट्स, करना क्या है, हमारे पास पॉइंट आ चुका है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. सिंपली एक्स की इस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे, डेट इज़ हमारे पास जो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की, डेट इज़ लोकल मिनिमम वैल्यू येस इज़ इक्वल टू येस जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स 2/3. सो 2/3 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 2. एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा येस. After solving, it will be 2/3. आप इसको simplify कर सकते हैं. We will get local minimum value 2/3, right students? So now let's move further. Okay, so now let us move to our next question. And our question is, find local maximum value and local minimum value of this function. So students, first step हमारा यही रहेगा. सबसे पहले f dash x find out करेंगे. That is 5x is to power 4 minus 20x cube plus 15x square minus 1 का derivative 0. Take common 5x square. Yes, it will be x square minus 4x plus 3. एंड येस इसके फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री. तो ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स, और इसको कर देंगे जीरो के इक्वेट. तो जीरो के इक्वेट करने पर देर विल बी थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स, जीरो वन एंड थ्री. तो अब इन तीनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग चेकिंग करनी पड़ेगी हमें, बिल्कुल वैसे ही लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पर थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. तो सबसे पहले जीरो पर चेकिंग करते हैं. येस वेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन जीरो देन एफ डैश एक्स. येस अब देखिए 5x स्क्वेयर के लिए हमें कोई चेकिंग करने की जरूरत नहीं, ये ऑब्वियस है, ये पॉजिटिव ही रहेगा. जीरो से कुछ कम वैल्यू माइनस 0.1 आप मन में अज्यूम कर लीजिए, आपने अज्यूम करनी है यहाँ पर, पुट नहीं करनी. तो माइनस 0.1 माइनस 1 नेगेटिव, माइनस 0.1 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके एंड व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0 देन एफ डैश एक्स. जीरो से बड़ी वैल्यू 0.1, तो 0.1 माइनस 1 नेगेटिव, 0.1 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. और आप देख सकते हैं साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन सेम है. तो अभी मैंने बताया आपको, अगर साइन चेंज नहीं होता तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट. चलो अब चेकिंग करते हैं ऐसे ही 1 पर. ओके 1 पे येस. सो व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 1, when x is slightly less than 1, then f dash x, एक से छोटी वैल्यू मन में सोच लेते हैं 0.9. वैसे भी 1 से छोटी वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. और 1 से छोटी वैल्यू में से 3 माइनस करेंगे वो भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. एंड when x is slightly greater than 1, greater than 1, suppose 1.1, तो 1.1 माइनस 1 ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन 1.1 माइनस 3 नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स हो गया लेस देन जीरो. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि पहले इंक्रीज होके
डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज हियर जस्ट पुट इन फंक्शन एट द प्लेस ऑफ x 1. सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 1. यस, 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 4 इट विल बी 0. तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई 0. क्लियर. थर्ड, अब 3 पे चेकिंग करते हैं. सेम एट x इज इक्वल टू 3 पे चेकिंग. सबसे पहले व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 3, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 3 देन f डैश x. तो f डैश x का साइन चेक कर लेते हैं. 3 से छोटी वैल्यू 2.9 एज्यूम कर ली, तो 2.9 माइनस 1 पॉजिटिव बट 2.9 माइनस 3 नेगेटिव. ओके, एंड सिमिलरली व्हेन x इज slightly greater than 3, then f dash x 3 से बड़ी वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0. तो इट मीन्स पहले फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज कर रहा है. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. तो स्टूडेंट, इन दिस वे आपके पास जितने मर्जी क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएं, आपको हर क्रिटिकल पॉइंट पे ऐसे ही चेकिंग करना. एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज, यस, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स 3, और फंक्शन में 3 पुट करने पर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट -28. राइट स्टूडेंट्स. सो एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 to π. राइट. तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, उसको 0 के इक्वेट किया, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 90, क्योंकि 0 से पाई के बीच में सिर्फ 90 पर ही कॉस एक्स 0 होता है. राइट. तो देर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, और अभी यहाँ पे चेक करेंगे कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. तो उसके लिए सबसे पहले 90 से लेस वैल्यू पे चेक करेंगे एफ डैश एक्स का साइन. सो व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन पाई बाई 2 देन एफ डैश एक्स. तो देखिए, 90 से अगर हम लेस की बात करें, 90 से अगर हम लेस की बात करें, तो इट मींस वी विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव. तो डेट्स वाई एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव. एंड व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन, बट अगर हम 90 से ग्रेटर की बात करते हैं, तो वी विल कम इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? यस, नेगेटिव. तो इट मीन्स फंक्शन पहले इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर रहा है. इट मीन्स दिस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, यस, फंक्शन में x के प्लेस पे 90 पुट कर देंगे, डेट इज एफ ओ पाई बाई 2 एंड साइन 91. तो सो स्टूडेंट, इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए गिवन फंक्शन विद हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. राइट. एंड स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, डेट इज विद हेल्प ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वी विल स्टडी, डेट इज हाउ वी कैन फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए गिवन फंक्शन. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा. कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ. तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर. थैंक यू.